बताओ। हाय गाइस। हाय गाइस, इसको भी याद आई है। जय गुरु जी। वेलकम बैक टू अवर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और संडे के बाद मैं आज अपना ब्लॉग शूट कर रही हूँ। आज है थर्सडे, 28th डेट है आज। तो देख लो, चार दिन के बाद मैं अपना ब्लॉग जो है शूट करूँ, क्योंकि बीच में मेरी तबीयत जो है थोड़ी सी डाउन हो गई थी और कुछ आलस भी आ रहा है, क्योंकि ठंडा आ ही गई है मॉर्निंग की और इवनिंग की, जैसे कि ठंड हो गई है। सुबह तो इतनी जल्दी उठने का मन नहीं करता, लेट उठो तो सारा दिन ऐसे ही बीत जाता है, पता भी नहीं चलता। और दो दिन तो मुझे करवा चौथ की वीडियो की एडिटिंग में ही टाइम लग गया था, अब बिजी थी। एंड साथ ही साथ मैंने ना सर्दियों की शॉपिंग भी कर लिया है, कुछ बहुत ही सस्ते में करी है शॉपिंग, वो मैं आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में दिखाऊंगी। नन्नू की अभी नहीं करी है, बिकॉज नन्नू का अभी मैं निकालने वाली हूँ ना कपड़े, तो मेरे को देखने हैं कि कौन से उसके पूरे सूरे हैं, कौन से बड़े हैं, तो पहले उसके निकाल लूँ, फिर देखूंगी कि लेने हैं या नहीं लेने। अगर लेने वाले होंगे तो ले आऊँगी, नहीं लेने होंगे तो वो इस बार चल जाएगा उसका। और नन्नू के पापा की है ही ऑलरेडी, वो लास्ट ईयर उन्होंने दो जैकेट्स अपनी नई ले ली थी, तो उनको भी नीड नहीं है। मेरे को नीड थी तो मैंने अपनी ले लिया, तो वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। अभी फिलहाल मुझे ना करना है अपना बेड क्लीन, तो मैंने सोचा चलो अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं और आप लोगों के साथ भी शेयर कर देते हैं, है ना, क्या करने वाली हूँ आज मैं। ये देखो ऊपर, तो ये देखो सामने वाले इस पे आप देख सकते हो, इसके ऊपर इतने सारे कपड़े हैं। नन्नू वाली की ड्रोर के ऊपर इतने सारे कपड़े हो गए ना, इतने सारे कपड़े मैंने निकाले, नन्नू के भी निकाल दिए, समर के अपने भी निकाल दिए हैं। स्लीवलेस तो मैंने सारे निकाल लिए अपने, और मेरे ही हैं स्लीवलेस, अपने सारे निकाल लिए। कुर्ती और हस्बैंड की टी शर्ट्स निकाल ली हैं, जो हाफ वाली थी वो शर्ट निकाल ली है, टी शर्ट निकाल ली है, नन्नू के निकाल लिए, नन्नू के तो सारे निकाल लिए, नन्नू के अभी मैं विंटर्स के निकालने वाली हूँ, फुल स्लीव्स के निकाल लिए, अभी तो फिलहाल वो फुल स्लीव डाल रहा है। तो या अभी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्लीनिंग करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, बेड को करना है क्लीन। लेकिन मेरे को थोड़ा सा ना रहता है कि अब मैं इसको अकेले कैसे करूँगी, क्योंकि मैट्रेस बहुत हैवी है। एनी वेज, करना तो है ही, और अभी टाइम हो गया है 3। नन्नू को जस्ट मैं ट्यूशन से लेकर आई हूँ, वो बाहर खेल रहा है, उसको खाना पीना खिला दिया है। तो चलो करते हैं। ये कपड़े कुछ यहाँ पर भी पड़े हैं, कुछ वहाँ पर पड़े हैं, सी आप देख सकते हो क्या हाल हो रखा है। तो चलो करते, देख लो नन्नू जल्दी से आ जाओ अंदर, होमवर्क भी कर लो साथ साथ। पापा जी से नहीं, मैं कराऊंगी। नो, और ये लड़का बहुत ड्रामेबाज करने लगा है। पापा से बोलता है कि मैं सुबह पढ़ूंगा और मम्मा से, और सुबह बोलता है कि पापा से पढ़ूंगा, बस इधर इधर उधर करता रहता है हम सबको, है ना। जल्दी से एक नोटबुक का कर ले जल्दी से, क्यों नहीं करेगा? मेरे को इसलिए होमवर्क नहीं करना, किस लिए नहीं करना होमवर्क, ये तो बता, रीजन तो बता मेरे को। नहीं 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 चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा, प्लीज। नहीं नन्नू, ये गलत बात है आपकी, प्लीज बेबी जल्दी से आओ। तो बस ये हाल किस किस के घर में हो रखा है, दिवाली की सफाई किस किस के घर चल रही है, कमेंट करके बताना। और ये देख लो, मैट्रेस मैंने हटा दिया, और मैट्रेस के नीचे ना मैं बेडशीट बिछाती हूँ, जिससे कि अंदर जो है डस्ट वगैरह ना जाए। बट फिर भी पता नहीं कहाँ से चल जाती है, कहाँ से इतनी मिट्टी आती है भाई, नहीं पता। तो बैग जो है इसके ऊपर रहती है, अंदर जो है सामान सब कुछ क्लीन है मेरा, तो बस जो भी विंटर्स के कपड़े हैं उसको मैं निकाल लूँगी, और साथ ही ना जितने भी मेरे वॉश वाले कपड़े थे समर के और मेरे हस्बैंड के और नन्नू के, समर के जितने भी क्लोथ थे ना, क्लोथ हैं वॉश करे हुए, वो सारे मैंने लगा दिए हैं, ताकि जो विंटर्स के रखूँगी उनकी भी रखने की जगह बनानी है, तो बस इनको मैं फोल्ड करके रख रही हूँ। और पहले तो मैं ना इसमें वो रखती थी फरनैल की जो गोली होती है वो रखती थी, बट अभी फ़िलहाल मेरे पास नहीं है और मेरे पास टाइम भी नहीं था कि मैं मार्केट जाऊँ और लेकर आऊँ। बट मैंने क्या किया है ना कि लेकर आऊँगी जब, तो मैं इन बॉक्स के साथ साथ में रख दूँगी, अंदर नहीं रख रही हूँ। लास्ट टाइम मैंने ना अंदर रखी थी ना बॉक्स के अंदर, तो उसमें ना कई कपड़े जो हैं ख़राब हो गए थे, और वो फरनैल की गोली मैंने ऐसे भी नहीं रखी थी, पॉलीथीन के अंदर पैक करके रखी थी एक एक गोली, बट फिर भी पता नहीं कलर कैसे छोड़ गया कपड़ों का। तो अब मैंने सोचा कि बॉक्स के बाहर रखूँगी, जिससे कि थोड़ी सी स्मेल वगैरह ना रहे कपड़ों में,
और ये जो मेरा बॉक्स है इसको मैंने गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दिया है, मिट्टी सारी निकाल के, और टेप लगा के ना, जब मैंने कपड़े रख दिए टेप लगा दिया, और ऊपर मैंने नाम लिख दिया जिससे कि बाद में ना मुझे ढूंढना ना पड़े कि नन्नू के कपड़े कहाँ हैं, नन्नू के पापा के कपड़े कहाँ हैं। तो बॉक्स के ऊपर नाम लिख दिया कि इसके अंदर नन्नू के कपड़े हैं, हस्बैंड के कपड़े हैं, तो उससे ना बहुत ईजी रह जाएगा। तो बस इसमें मैंने अपनी जो समर्स की बेडशीट है वो रख दी है, क्योंकि मेरी विंटर्स की अलग है समर की अलग है। बिकॉज समर में क्या रहता है ना, कॉटन की हम बिछाते हैं, तो कॉटन की मैंने अलग कर रखी है, और विंटर्स की हमारी वूलन वाली है। बाकी वो बैग भी मैंने पैक कर दिया है, और इसमें सारे मेरे विंटर्स के कपड़े हैं और कुछ हस्बैंड के हैं, तो सारे निकाल लेती हूँ, और इसमें मेरे सारे जो समर के हैं वो मैंने रख दिए हैं। तो बस अभी आप नन्नू को देख सकते हो, इसकी मस्ती भी जारी है और साथ में ये मेरी हेल्प भी कर रहा है, दोनों काम कर रहा है, तंग भी कर रहा है और हेल्प भी कर रहा है। और अभी इसका बैट बॉल स्टार्ट हो जाएगा, कैच मम्मा कैच। जोर लगा के कपड़े गिर दिए बेटा, ये देखो ये है सारे वूलन कपड़े मेरे हस्बैंड के, नन्नू के, सारे ऊपर नीचे हो रखे, पूरा ये वाला एक वाला ना साइड गद्दा सारा ही भरा हुआ है। सारे कपड़े निकाल लिए मैंने, अभी जो हैवी वाली जैकेट है वो भी निकाल लिया, क्योंकि इनको धूप लगा के एक बैग में ना पैक करके रख दूंगी साइड में, क्योंकि जैसे ही ज़्यादा ठंड आएगी तो निकाल लूँगी उसको, मैं दबा के नहीं रखती हूँ, तभी मैं ना निकाल लूँगी साथ ही। और एक साइड हो गया है बॉक्स अच्छे से क्लीन, दूसरी साइड से मैंने कपड़े निकाल लिए बट क्लीन नहीं किया है, क्योंकि मुझे ये था कि पहले ना एक साइड वाला जो है क्लीन हो जाए अच्छे से और उसको सेट कर लूँ, और अगर एक साथ चारों बॉक्स खोल लेती ना कुछ भी नहीं समेटता, इसलिए धीरे धीरे कर रही हूँ। और ऊपर से ये मुझे बहुत तंग कर रहा है, आप देख रहे हो सारी गाड़ियाँ चला रहा है। एनीवेज अभी ना मैं ये देखो क्या करने लगी हूँ, ये वाली साड़ी देखो, रेड कलर की साड़ी है, इसमें मैंने एक मेकअप लुक भी किया हुआ है, तो ये मेरी शादी की साड़ी है, 5 साल जैसे की हो गए शादी को, तो ये अब जो लैस है ना इस पर मेरे को अच्छी नहीं लगती, मुझे ये है कि थोड़ा सा इस पर ना डिफरेंट जो है लैस लगे, तो ये ना जैसे कि चौड़े बॉर्डर वाली है, तो मुझे ये है कि थोड़ी सी पतली पतली लाइनिंग वाली लगाऊं, जिससे कि ये डेली यूज़ में भी डाली जाए और दिवाली आ रही दिवाली पे डाल लूँ है ना अच्छी सी लैस लगा कर। तो मुझे ये है कि मैं ना इसकी लैस निकाल के चेंज कर दूँ, और ब्लाउज मेरे पास एक पड़ा है कॉपर कलर का, तो वो इसके साथ चल जाएगा है ना। तो अभी मैं इसको ना हटाने ही लगी थी, ये देखो आधी निकल भी गई है सी, तो इसको फटाफट निकालते फिर आपको दिखाती हूँ ये सिंपल कैसी लगती है। रुको मैं भी पहले इसको निकाल लूँ, नन्नू पानी लिया, मम्मा को प्यास लग रही है। ठीक है जब तू मेरे से मांगेगा तब मैं भी बोल दूंगी मैं नहीं लाती भाई सब, ठीक है नहीं, मैं जब आप मेरे से पानी मांगोगे तो मैं भी कहूँगी नन्नू मैं नहीं दे रही हूँ अपने आप ले लो, ठीक है ओके।
ले आओ जल्दी से, मम्मा को प्यास लग रही है। जल्दी से गाड़ी बाद में चला लियो। हाँ भाई ट्रक को निकाल लूं। तो ये देखो सारी जो लैस है ना सारी उतार के, ये ली नहीं उतारी है, थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इसको उतारो ना उतारो, या फिर मैं ये सोच रही हूँ कि इसको ही रहन देती हूँ। ये है नेवी ब्लू का, मतलब जो वेलवेट सा लगा हुआ है, ये काइंड ऑफ ब्लैक शेड ही देता है ये, है ना दूर से देखने में। तो इसके साथ वैसे अगर कोई भी ब्लाउज चल जाएगा, ब्लैक भी चल जाएगा, गोल्डन डालना चाहे गोल्डन भी डल सकता है, बट मैं सोच रही हूँ कि साड़ी की बजाय ना मैं इसका एक अच्छा सा गाउन सिलवा लूँ, है ना अच्छा लगेगा ना, आप लोग बताओ। हाय गाइस, इसको भी याद आई है। तो ये देखो ये सारी उतर गई, 5 मीटर के आसपास होएगी शायद। चलो इसको फोल्ड करते हैं, देखते हैं बाद में साड़ी का क्या करना है, इसको बाहर ही निकाल देती हूँ। अगर ये मैं उतारूंगी ना तो सारी साड़ी छिट जाएगी, क्योंकि अभी ना कहीं कहीं से जो साड़ी है ना फट गई थी, अब पड़े पड़े ना कपड़ा खराब ही होता है। ये देखो सी कई कई जगह से ये ऐसे ना हो गया है, जबकि मैंने इतने प्यार से निकाल रही थी ना, फिर भी ये देखो। अब 5 साल में सिर्फ मैंने इसको दो या तीन बार डाला है, ज़्यादा तीन बार ही डाला है, और पड़े पड़े तो चीज़ यार ख़राब होती है चाहे कुछ भी हो। एनीवेज अभी इसको फोल्ड करके बाहर ही निकाल देते हैं, देखते हैं इसका क्या बन सकता है। वैसे तो सूट भी बन सकता है, एक कुर्ती निकल सकती है अच्छी खासी लॉन्ग कुर्ती, है ना। देखते हैं क्या करते हैं, इसको बाहर निकाल देते हैं इसको मैं। तो ये देखो इसका ब्लाउज कैसा है, ये ना शिमर में है, जो पहले बहुत चला था ना ऐसा शिमर में, अब तो इसका कुछ ट्रेंड नहीं है, तो ये बड़ा अजीब सा भी लगता है डाला हुआ। ये ऐसे पूरा वर्क किया हुआ है, ये देखो आगे की साइड से पूरा वर्क है, ऐसे है। अब कोई नहीं डाल देख रहे इसकी तूफान हट जाएगा ये। फट जाएगा वो, फट गया तो पिटाई, पता भी है फटेगा पिटाई होगी, फिर भी ननू वो पॉलिथीन का 2 मिनट नहीं लगेगी उसको फटने में। और ये वाली साड़ी ना मैंने आई थिंक 800 या 900 की ली थी अपनी शादी पे, वहां से क्या नाम है चांदनी चौक से ली थी, क्योंकि मेरी शादी की शॉपिंग सारी वहीं से हुई थी, और हैवी साड़ी मुझे पसंद नहीं है, तो इसलिए लाइट वेट वाली ली थी। अब मुझे ये भी हैवी लग रही है। You're stuck in my mind, just all the time, I'm falling for you. And tell me your secrets. ये देखो इसको मेरा नेल्स का पैकेट मिल गया, कैसे लगा रहा है नन्नू, मम्मा कैसे लगाती है, लगाइयो कैसे लगाती है मम्मा, ऐसे नन्नू से तो लग नहीं रहा। ओ नन्नू के इतने बड़े नेल्स, ये देख रहे हो हाथ कैसी, हाथ कैसे कर रखे हैं इसने, शक्ल कैसी कर रखी है, शक्ल लगाई है अपनी, शक्ल लगाई है, ये अच्छी नहीं है। हाँ शक्ल अच्छी नहीं लग रही नन्नू, मेरे को दूसरी चाहिए। नहीं है दूसरी है। नहीं है, कैसे ले लेगा ये कपड़े गिर गए ना, वाला बॉक्स और वो वाला बॉक्स अच्छे से क्लीन हो गया है। और ये देखो बेड की हालत कुछ ऐसी हो रखी है, ये देखो सी ये देख लो घर की हालत कुछ ऐसी हो रखी है, और किस किस के घर में ऐसी हालत हो रखी है, क्योंकि दिवाली है, दिवाली की भी सफाइयाँ चल रही हैं। तो या मैं अभी आप लोगों से मिलती हूँ इसको क्लीन करने के बाद, और इतने में हस्बैंड आ जाएंगे, 5:15 हो गए, अब वो आ जाएंगे तो थोड़ा जल्दी जल्दी भी हो जाएगा, या फिर इसको हैंडल कर लेंगे ना, इसको संभाल लेंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो चलिए इसको संभालने के बाद मिलती हूँ, बाय। So pretty and your smile, my
almost breathing. Tell me why, baby. Do you... तो अंदर का बेड अच्छे से क्लीन हो गया है, बाहर अंदर मैंने अच्छे से मॉपिंग कर ली है और उसके बाद मैंने शावर लेके करने लगी थी पूजा, बिकॉज आज है ओही अष्टमी। तो आप सभी को ओही अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पर आसन लगा दिया है, गंगा जल मैंने छिड़क के अच्छे से, और अभी नन्नू और मैंने गंगा जल ही लिया था हाथ पे, और नन्नू यहाँ पर धूप बत्ती जला रहा है, टीका वगैरह कर लिया है। हमारे में फास्ट तो नहीं रखते हैं, सिंपल सी पूजा करते हैं, और पूजा में हमारे में जोत जलाकर और एक रोटी बनाकर उसके ऊपर हलवा बनाकर रख देते हैं, और ऐसे भगवान जी को भोग लगाया जाता है और अपने बच्चे के लिए लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते हैं। जीता है, जीता है, जीता है, जीता है, जीता है, जीता है। सी, इतने सारे कपड़े हैं विंटर्स की जो कि कल लगाने हैं धूप, और ये कुछ हैं जो कल मैं लेकर आई थी, शॉपिंग करके आई थी, वो कपड़े हैं सी। और तो बस मैंने यहाँ पर चाय रख दी है बनने के लिए, सब्जी तो मेरी बनी हुई है, सब्जी मुझे बनानी नहीं है, अभी मेरा भुना हुआ है तो हो जाएगा सब कुछ। तो बस ये जो कपड़े हैं इनको कल धूप लगवाऊंगी, और मैंने पूजा भी कर ली है, जैसे कि आज है ओही अष्टमी। तो आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं सो किस किस ने फास्ट रखा है ये कमेंट करके बताना। हमारे में फास्ट नहीं होता है, हमारे में सिर्फ ना पूजा करते हैं, जैसे नॉर्मली हम डेली पूजा करते हैं वैसे पूजा करके, और जो मीठा होता है मीठा बना लो और थोड़ा सा भोग लगा लो, बस मैंने वैसे ही किया है। जो पूजा है हमारे में ना वुडन के जो डोर होते हैं कॉर्नर में, उनके पीछे ही करते हैं। आप में कैसे करते हैं ये कमेंट करके बताना, और आप लोगों को हमारा कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। तो चलो मेरी चाय बन रही है, चाय पी लेते हैं, और बहुत ज़्यादा लेट हो गया, देखो 8:15 हो गई है, क्योंकि बहुत डस्ट था और एक एक चीज़ क्लीन करने में, वैसे अंदर से कोई भी कपड़े वगैरह गंदे नहीं थे, और जो सामान था वो कुछ गंदा नहीं था, तो बस उसी को ही क्लीन करने में इतना टाइम लग गया। साथ में मैंने ना वॉल को भी अच्छे से क्लीन कर लिया, मैंने कहा आज कर रही हूँ लगे हाथ करती जाऊँगी, फिर मैंने देन शावर लेके अभी रेडी होके पूजा वूजा कर ली है। या मैं करती हूँ ब्लॉग का एंड, क्योंकि मेरी कमर की ना बैंड बज गई है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, बहुत ज़्यादा। अभी कल मुझे करना है ये वाला रूम, इवन ये साफ़ है फिर भी तसल्ली नहीं मिलेगी, करनी है दिवाली की क्लीनिंग, तो लगे हाथ इसको भी कल कर लेंगे। किचन मेरी क्लीन है, ऊपर से ड्रॉर को क्लीन करना है, अंदर से नहीं करूँगी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है। वैसे मेरी क्लीन है, ये देखो क्लीन है, वैसे मुझे ज़रूरत नहीं है। तो चलिए कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, होप आप लोगों को ये वाला व्लॉग अच्छा लगा हो, थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर देना लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस, बाय।